प्रेशर हमारी करेंसी पे और महंगाई में इजाफा और आगे लेकिन जाते हुए खुर्रम, सिचुएशन जब और जब खराब। डॉलर डॉलर की कदर बढ़ रही है, उसके बाद फिर रुपए की कदर गिर रही है, तो इससे तो पेट्रोल भी महंगा होगा, डीजल भी महंगा होगा, फिर बिजली, क्योंकि इंपोर्टेड ऑयल से पैदा होती है, तो फिर बिजली भी महंगी होगी, तो सिलसिला तो कहीं रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ कनेक्टेड है। जी 100% आप किरण ठीक कह रही हैं कि अभी गवर्नमेंट ने किया ये है कि प्राइसेस को फॉरन से पास ऑन कर दिया, पेट्रोल की प्राइसेस से डीजल को बिल्कुल करना चाहिए पास ऑन, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त एहतियात करने की ज़रूरत यह है कि जब आपने प्राइसेस बढ़ा दी हैं और थोड़ी सी प्राइसेस नीचे आई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन डॉलर महंगा हो गया है तो वो ऑफसेट ज़्यादा से कर गया है, तो अब प्रॉब्लम यह है कि पास ऑन बहुत जल्दी कर दिया। ऑफकोर्स उसके पॉलिटिकल रीजन्स हो सकते हैं, उसके वो 17 जुलाई के इलेक्शन हो सकते हैं, बट करना ये चाहिए था कि अभी रिटेन रख जो है वो पास ऑन करते हैं। अभी ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी ये अच्छी खबर है, ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी 2-3 महीनों में, क्योंकि अभी भी आप प्राइसेस देखें तो 2-3 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो $90 $80 के पास आ गए हैं, तो ये अच्छी खबर है। लेकिन डॉलर को कंट्रोल करने के लिए फिर मैं ये कह दूँ फ्रेंडली कंट्री से जितना जल्दी हो सकता है इनफ्लो ले लें, जितना जल्दी IMF के साथ जो है वो जल्दी उनकी बोर्ड मीटिंग की रिक्वेस्ट कर दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि जो है ये हमारे पास डॉलर्स आएँ और एटलीस्ट करेंसी हमारी मार्केट स्टेबलाइज हो जाए। करेंसी स्टेबलाइज हो जाएगी ना तो आपके पास महंगाई और ये सारी शरह जो है वो काबू में आ सकती है। सही। अच्छा ये बताइए, वजीर खजाना कह रहे हैं कि